व्हाट्सएप में काफ़ी वीडियो देखने मिल रहे कि जो सीसीटीवी का फुटेज है जो वायरल हो रहा है और आपका द्वारा से किया गया है, जो बच्चा लोग यहाँ में स्कूटी और बाइक चोरी कर रहे हैं आधा रात को, तो उनका बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए ना। सबसे आगे न्यूज पाटिल को थैंक यू हमको पूछने के लिए, ये सवाल करने के लिए। तो कल आज सुबह हम जो व्हाट्सएप में हम ये वीडियो हम भेजा था, वो ये ऑल जीरो मार्केट का वो वीडियो है। ऑल जीरो मार्केट में ये एक दो महीना में ये थोड़ा स्कूटी अब बाइक चोरी हो रहा है रात रात को, रात 11-12 बजे को हमेशा चोरी हो रहा है। तो बहुत बार हो गया चोरी किया हुआ, ये लास्ट मैंने रिसेंटली ये 8 तारीख का रात को 11 बजे 11:30 को एक बाइक चोरी हुआ है। तो उसको हम सीसीटीवी फुटेज में हम देखा है, और ये जीरो में ओल्ड जीरो मार्केट का अंदर में सीसीटीवी फुटेज है, हर एक गली में है, ये हाईवे ये सुलिया से लेके और रॉयल जीरो लोअर जीरो जीरो तक सीसीटीवी लगा के रखा है। तो उसमें फुटेज में देखा है तो चार तो लड़का मिला है, और चार तो लड़का को कहाँ से आए बोलने से वो नीचे से आते हैं, ये नीचे से आते, नीचे से आके यहाँ में मार्केट का अंदर में ये जहाँ जहाँ ये स्कूटी मोटरसाइकिल पार्किंग करके रखता है उन लोग को, उन लोग ये सब स्कूटी को देख के जिसका ये थोड़ा सबे हुए थोड़ा लूज है उसको ले जाके उन लोग लेके लेके जाता है। जो अभी 8 तारीख को जो बाइक बाइक और स्कूटी गायब हुए, वो अभी मिले कि नहीं मिला? और बाइक को तो मिला है, और बाइक को वो माने गायब हुआ था ये वीडियो ऑफिस से, और वीडियो ऑफिस से उन लोग ये टेल के ले जाके कुरुम्बारा में और तार को खुल के हाईवे निकल के और सुलिया में छोड़ दिया है। तो सुलिया से वो बाइक मालिक और उसको मिल गया है। तो आप लोग का ये ओल्ड जीरो कमेटी का साइड से आप लोग क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं और क्या आप लोग कर रहे हैं इसका इसका सिलसिला में? ये हम लोग ओल्ड जीरो मार्केट जो पहले 2023 से हम लोग ये पुलिस को भी बताया, एक दो बार बताया, यहाँ में एक बार नहीं ये बहुत बार हो गया, और पहले भी यहाँ में एक तो ये मेन सेंटर से बाइक एक तो चोरी हुआ था, वो बाइक को हम लोग ये कंप्लेंट दिया था पुलिस में। तो उसको 4 दिन बाद में ये निशिंग बस्ती बस्ती और लोध बस्ती से मिला है, बापों से मिला है उसको, लेकिन आदमी को नहीं नहीं मिला है। तो अभी तक ये सीसीटीवी फुटेज में देखने से आदमी को दिखाई देते लेकिन उसको पहचानने नहीं 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 सक 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 रहे। तो उसके लिए हम सब पब्लिक को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूँगा ये जो हम ये सीसीटीवी में सीसीटीवी फुटेज को हम और शॉप में हम भेजा है, उसको देख के आप लोग थोड़ा उसको ज्ञान से देख के थोड़ा हम ये कहाँ के विजय का भी हो सकता है, हारी का होम का भी हो सकता है ना, वो अपना अपना ये जगह का आदमी को थोड़ा ये पहचानने के लिए कोशिश करके थोड़ा डाउट होने से हम लोग को इन्फॉर्म करने से अच्छा है। जो सीसीटीवी फुटेज आप लोग का जो मिला है और जो यहाँ पर जीरो में जितना भी सीसीटीवी लगाया गया है वो आप लोग अपना खुद लगाया है या वो एक बार स्कीम आया था इस सीसीटीवी का, तो ये जो सीसीटीवी है ये ओला है? ये सीसीटीवी और स्कीम का नहीं है, ये स्पेशली हम लोग ओल्ड जीरो मार्केट ने ये मिनिस्टर तकी तकी साहब को उसको हम लोग ओल्ड जीरो मार्केट कमिटी लोग जाके घर में जाके हम लोग रिक्वेस्ट किया है, और रिक्वेस्ट करने के बाद में वो हम लोग को सीसीटीवी 23 कैमरा लगा दिया है, और उसको ऊपर में वो थोड़ा हम लोग के लिए शॉर्ट है, थोड़ा ये गैपिंग माने दूर दूर हो गया, तो उसका बीच बीच में डालने के लिए अभी हम लोग ये खुद का
ये पाउंड से डालेगा बोल के नो तू सीसीटीवी अभी ऑर्डर करके रखा है। तो आप जैसे कि बोला कि पुलिस में अगर कंप्लेंट किया गया था तो पुलिस का रेस्पॉन्स कैसे है, और अगर कोई पहचान के अगर आपको बता देता है, आपको इन्फॉर्म कर देता है कोई पब्लिक, तो वो पब्लिक को आप लोग का साइड से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा ऐसा कुछ? ओ हम आज सुबह भी हम व्हाट्सएप में हम भेजा है बोल के हम वॉइस मैसेज में हम बोल के हम भेजा है अगर वो लड़का लोग को गैंग लोग को कोई पब्लिक हो कोई अंदर में बता देगा तो हम लोग मार्केट का तरफ से रिपोर्ट देने के लिए हम लोग रेडी है। तो ये पुलिस लोग भी आईओ लोग भी हम लोग को मदद करता है, जब हम लोग जब भी हम लोग ये कंप्लेंट देता है उन लोग यहाँ में आके सीसीटीवी फुटेज को देखता है, देख के लेकिन उन लोग ढूंढता है बाइक को तो ढूंढ दिया है लेकिन आदमी को आज तक नहीं मिला है। उसको जरूर लिया जाएगा, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा उसको। सुनने में आया कल भी एक चोरी किया गया है, तो सर उसका क्या अपडेट है? कल का कौन सा वाला का स्टूडेंट? ओ तो आज अभी जस्ट थोड़ा पहले मेरा घर में आया था वो लड़का, वो हम लोग का निशिंग भाई का वो बेटा है, उन लोग ये सेंट कलर में वो पढ़ता है, वो उसका आज रात 1 बजे 1:40 आसपास को उसका स्कूटी गायब हुआ है बोलते हैं। तो यहाँ में सीसीटीवी फुटेज में हम देख दिया है, उसको नहीं मिला है तो कहीं नीचे में गया ना और बस्ती में घुसा है, उसको हम मालूम नहीं है। तो अल्लाह सबर, जितना भी पब्लिक है यहाँ और जीरो मार्केट में और जीरो में, उन पब्लिक को आपका साइड से क्या मैसेज रहेगा कि अपना सामान को केयर करे, अपना जो स्कूटी वगैरह अपना प्रॉपर्टी उसको मेंटेन करे, आप क्या मैसेज देना चाहते हो जितना भी पब्लिक है यहाँ? हम हमेशा बोलता है बोल के आया है ये दुकानदार लोग को, स्पेशली हम दुकानदार लोग को बोलता है यहाँ का नॉन ट्रेवल दुकानदार लोग थोड़ा हम लोग का लोकल आदमी को डरता है, रात को हलागोला होने से उन लोग चुपता है नहीं निकलता है, तो उन लोग को हम हमेशा बोलते हैं तो रात को कुछ आवाज़ सुनने से बाहर नहीं आने से भी खिड़की से होने से भी देखो देख के कुछ दावत होने से गैंग बोल के दावत होने से हम 24 आवर्स हम रेडी है, हमको फोन करो रात 12 बजे होने से भी 1 बजे होने से भी हमको फोन करो हम आएगा। तो अभी हम सबको पब्लिक और दुकानदार लोग को हम बोलना चाहते हैं तो बाइक स्कूटी गाड़ी सब ये पार्किंग करने से भी अपना सेफ्टी जगह में रखिए, जहाँ तक ये हाईवे सामने रखने से गाड़ी भी लग सकता है, इतना स्पीड जाता है वो गाड़ी भी लग सकता है, इसलिए थोड़ा अपना अपना जगह में सेफ्टी जगह में रखिए।